अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ निस्तीन मिर्ज़ा असद और वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो लोग ये गलती करते हैं वो दोबारा उनको इस चीज़ का इल्म हो जाए और वो दोबारा नए सिरे से ये गलती बिल्कुल मत करें। क्योंकि कई जगहों पर मैंने ये देखा है कि ये गलती की गई है और दोबारा नए सिरे से दोहराई भी गई है। 100 में से 40% लोग जो है वो ये गलती करते हैं और नए सिरे से दोहराते हैं, लेकिन वजह क्या है? सिर्फ उनकी लाइल्मी की वजह से, सिर्फ उनको इस चीज़ का इलम नहीं होता, उनको पता नहीं होता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बात अपने घर में बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं या बना चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है वीडियो। या आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है कि ये गलती वहाँ पर की जा रही है, आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी ये भला हो सके। तो मैं आज आपको आम सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। मैंने एक दो जगहों पर देखा है कि मिस्री हजरात जो हैं वो ये गलती करते हैं। कुछ मिस्त्री हजरात की लापरवाही होती है, लाइल्मी होती है, और कुछ मालिक हजरात की लाइल्मी होती है, क्योंकि दोनों को नहीं पता होता ये क्या हम करने जा रहे हैं, ये कौन सी गलती हम जो करने जा रहे हैं जो हमारे लिए आने वाले वक़्त में वो ना तो एक तरफ होगा, दूसरी तरफ जो है वो पछतावा होगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें, अगर आप कोई भी घर बनाना चाह रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई भी कमर्शियल प्लाट है, आज के आने वाले दौर में जो है आपको एक बात की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जहां पर बात बना रहे हैं और साथ ही साथ गुसलखाने की भी मैं बात करूंगा, कोशिश रहे कि आपका जो बात और गुसलखाना है, जब आप बाद में हाजत के लिए जाते हैं तो ना आपकी पीठ किबला रुख होनी चाहिए और ना ही आपका मुंह जो है वो किबला रुख होना चाहिए। इसी तरह सेम गुसलखाने की भी मैं बात करूंगा, उसमें भी ना ही आपका नहाते वक्त जो है वो पीठ किबला रुख होना चाहिए और ना ही जो है वो मुंह किबला रुख होनी चाहिए। इस चीज़ की कोशिश करें कि जितना आप जो है वो इससे बच सकते हैं। अब आम तौर पर क्या किया जाता है, मुंह तो किबला रुख नहीं किया जाता, लेकिन पीठ जो है वो किबला रुख कर दी जाती है। लेकिन बाद में जब एक महीने के बाद, दो महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब पता चलता है तो फिर जो है वो बंदा पछतावे का सबब बन जाता है, बंदा अपने आप को कोसता रहता है कि यार ये जो है बहुत गलत हो गया। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि उन लोगों को इस बात का पता चल सके, वो दोबारा इस गलती को बिल्कुल मत दोहराएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप देख रहे हैं कि ये गलती कहीं की जा रही है या कर रहे हैं या आने वाले वक़्त में होगी, तो आप उनसे भी ये वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करें, ये जो गलती है वो ज़रूर उनको बताएं ताकि आने वाले वक़्त में जो है वो उनको पछतावा ना हो। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं घर की तामीर के मुतालिक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, वो आसानी से आप तक पहुँच सकें।